दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल कोर्सेज के इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें आप एग्जाम फॉर्म 18 मार्च से फिल कर सकते हैं, लेकिन आज 20 मार्च है, 20 मार्च से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप BBA, BCA, BLLB 5 ईयर, BCOM LLB 5 ईयर, MBA, MCA और जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, जिसमें आप कैंपस और कॉलेज के एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। तो एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद जाना है स्टूडेंट सेक्शन के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करना है एग्जामिनेशन के ऑप्शन पे। उसमें क्लिक करते ही आप आ जाएंगे एग्जाम फॉर्म एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे वन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। एनिमी प्रोग्राम के लिए अलग से मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए अलग से मिल जाएंगे और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अलग से आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है वन सेमेस्टर प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोग्राम मेन बैक एक्स 2024 के सामने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे, जो कि रहेगा आपका स्टूडेंट के डिटेल को सर्च करने का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर स्टूडेंट रोल नंबर या फिर आधार नंबर, कोई भी एक डिटेल आपको फिल कर लेनी है और फिर राइट कैप्चा फिल करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना एग्जाम टाइप। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम टाइप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूजी, पीजी, इवन सेमेस्टर मेन एग्जाम, या फिर आपको बैक एग्जाम फॉर्म फिल करना है या एक्सीडेंट है तो आपको स्क्रॉल करना है, लिंक मिल जाएगा आपको यूजी, पीजी, इवन सेमेस्टर, बैक एग्जाम फॉर्म और एक्सीडेंट के लिए। तो जो भी आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है अपना, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना मेन एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट कर रहा हूँ यूजी, पीजी, इवन मेन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें अपने एडमिशन ईयर सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम नेम, जो भी आपको प्रोग्राम नेम है बी ए एल एल बी फाइव ईयर या बी कॉम एल एल बी फाइव ईयर, वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ईयर सेमेस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम सेमेस्टर 10 का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, स्टूडेंट की डिटेल्स हो करेगी। सबसे पहले देखिए, आपको कॉलेज का नेम मेंशन होगा, किस ईयर में एडमिशन लिया है वो मेंशन होगा, जेंडर मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी सही फिल है तो अच्छी बात है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इंग्लिश और हिंदी में फिल रहेंगे। साथ में नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिलीजन, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, आधार नंबर, एन ए आई डी और आपका मीडियम पहले सिलेक्ट रहेंगे। आप यहाँ पे एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, कोई डिटेल मिस्टेक है आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद देखिए, फोटो सिंचर हमारे पहले से अपलोड रहेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है। ऑप्शन मिलता है प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आपका देखिए प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी पहले सिलेक्ट रहेगी, इसको आपको एजीटी रहने देना है। इस बार जिस सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो शो कर जाएगा। साथ में आपको अपना प्रोग्राम नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर आपका पहले से ही फिल रहेगा, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। साथ में प्रीवियस सेमेस्टर जो है हमारा सेमेस्टर 9, उसकी डिटेल में फिल करनी होती है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद टर्म्स एक्सेप्ट करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा सब्जेक्ट का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 10 के अंदर पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, तीन कैटेगरी मिली है जिसमें हमें अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो रेगुलर सब्जेक्ट 1 कैटेगरी के अंदर हमें 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, सेकंड कैटेगरी के अंदर हमें 1 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और कैटेगरी तीसरी हमारी रेगुलर के अंदर सुंदर में 1 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद स्क्रॉल करते हैं तो आपको फीस हो कर जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी फीस हो कर रही है, सो कर रही है 2180 रुपये। तो इसको हमें पे करना होता है, क्योंकि इसमें डिग्री फी चार्ज भी होता है। इसको पे करने के लिए हमें सबसे पहले सेव को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हमें डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, इसलिए मेक पेमेंट उसको क्लिक करना है। क्लिक करते हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जल्दी से मैं अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको शो कर जाएगा पेमेंट इज सक्सेस और ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू डाउनलोड एग्जाम फॉर्म, साथ ही क्लिक हियर टू रिटर्न मेन पेज। तो हमें यहाँ पे क्लिक हियर डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा प्रिंट फॉर्म हमारे सामने शो हो जाएगा, इसको प्रिंट आउट निकाल के आप कॉल में जाकर सबमिट करा देना है। एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई है, यानी 2 अप्रैल तक आपको कॉल में जाकर सबमिट करा देना है। तो यहाँ पे देखिए, जो डेट है हमारी 31 मार्च, वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, क्योंकि मार्च से यानी आज से हमारा एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है। तो ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने की। तो आपको प्रिंट आउट निकाल कॉल में जाकर सबमिट करा के साथ आपको रिसीप्ट ले लेना है, जो कि आपका सबमिट की रिसीप्ट होती है, उसको अपने पास सेव रख लेना है। बात करते हैं अगर दोस्तों आप क्लिक ऑप्शन क्लिक नहीं करते हैं और क्लिक टू रिटर्न मेन पेज क्लिक करके मेन पेज जाते हैं, तो अब आपको अपना एग्जाम फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, आपको सेम डिटेल से दोबारा लॉगिन करना है। वन बाय वन स्टेप जाके आपको सब्जेक्ट स्टेप पे आना है। यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो ऑप्शन मिलता है प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एग्जाम फॉर्म दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाले कॉलेज जाकर सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे आप एग्जाम फॉर्म को फिल करना है, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। थैंक यू।